हेलो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, तो अपवर्तनांक के क्यों होता है ये हमने देखा, क्योंकि गति में परिवर्तन आता है ना, वेग में परिवर्तन आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में। और हमने नियम भी देखा क्या क्या नियम होते हैं अपवर्तनांक के। अब देखते हैं उस अब एक ग्लास कांच के सिले पे अपवर्तनांक का देखते हैं कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पिछले वीडियो में देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कांच के आयतकर स्लैब से अपवर्तन पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन का नियम देखा और इस वीडियो में हम देखेंगे कांच के आयतकर स्लैब से अपवर्तन कैसा होता है। ठीक है, तो एक मानते हैं आयतकर मतलब रेक्टेंगुलर स्लैब है कांच का। ठीक है, आयतकर स्लैब है और किरण मान के चलिए दो अभिलंब बना देता हूं। एक अभिलंब ये हो गया और दूसरा अभिलंब मान के चलिए इधर। क्यों बना रहा हूं समझ में, ये मान के चलिए ए बी सी डी नाम दे दिए। ठीक है, और ये दो ये बिंदु है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया एन वन और ये हो गया एन टू। अब देखिए अब किरणों को बनाते हैं। ठीक है, किरणों को बनाते हैं थोड़ा सा, मान के चलिए एक किरण ऐसे आ रहा है। ठीक है, हाँ, एक किरण जो है कैसे आ रहा है मान के चलिए इस बिंदु पे आ रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु पे आ ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपतित कोण आई, आपतन कोण जो भी कोण। ठीक है, अब क्या होता है यहां से ये जो किरण है झुक के इस सतह पे टकराएगा है ना, थोड़ा सा ये मान के चलिए जिस सतह पे टकराता है ये वो सतह है। ठीक है, यहां ठीक है, क्योंकि ये मुड़ेगा, हमने अपवर्तन के नियम पढ़े। अब मुड़ेगा क्यों, ये है क्या कांच, ये है कांच, ये है कांच और ये है वायु। वायु जो है विरल विरल माध्यम, विरल माध्यम और ये जो है सघन माध्यम। ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम, वायु जो है विरल माध्यम। तो आपतन किरण जो था आपत किरण ये ऐसे आया फिर इस बिंदु पे टकराता है। ठीक है, तो इस बिंदु पे हम क्या बनाएंगे एक अभिलंब बनाएंगे है ना, अभी लंब बनाएंगे हम। ठीक है, ये अभिलंब हो गया इस बिंदु पे। अब इस बिंदु से ये कैसे जाएगा किरण, अब देखिए ये है सघन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आ रहा था तो अभिलंब के क्या होता है करीब आता है, इसे हम मानेंगे R1। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे R2। ठीक है, तो इस
और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब अपना किरण जाता है तो क्या होता है, दूर जाता है, अभिलंब से दूर जाता है ना, अभिलंब से दूर जाता है। ये हो गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, मतलब जोड़ूंगा नहीं, इसको एक्सटेंड करता हूं, ये अगर जाता तो इस दिशा में जाता, पर आपतित किरण अगर जाता, अगर ये स्लैब ना होता तो इस दिशा में जाता, बट स्लैब होने की वजह से ऐसे जा रहा है। बट ये दोनों क्या है, ये दोनों किंतु समांतर है, ये देखिए ये दोनों जो है किंतु समांतर है, ठीक है, आपस में समांतर है। तो ये हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कौन सा चीज क्या क्या है, ठीक है, आपको देखना है। ये आपत इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये बिंदु मान लीजिए ओ है और ये बिंदु जो है बिंदु जो ओ है और ये बिंदु ओ प्राइम, ठीक है। तो ये जो है इसे मान लेते हैं ई एफ किरण, ई एफ के रास्ते जा रहा है, ई एफ जी, ये तो पता ही है रास्ता, और ये इसे मान लेते हैं क्या, जी और एच मान लेते हैं, है ना। तो यहां पे देखते जाइए मैं क्या क्या लिख रहा हूं, किरण ई एफ जो है इसे क्या बोलते हैं, आ इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। किरण ओ ओ डैश को क्या बोलते हैं, ओ प्राइम, इसे हम बोलते हैं अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और फाइनली जो जीएच है उसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, जो निकलता है फाइनली वापस से उसी माध्यम में आ जाता है, ये भी वायु है ना, वायु है। तो ऐसा बात है, निर्गत किरण, समझ में आया क्या हो रहा है। और ये जब निकलता है समांतर होता है, और एक चीज यहां पे I बराबर R है, क्योंकि ये दोनों माध्यम तो समान है ना, ये दोनों माध्यम समान है कि नहीं, R1 बराबर R2 होगा, क्योंकि ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो ये हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो इसकी वजह से R1 बराबर R2 हो जाता है, और R1 और R2 जब बराबर है तो हमने क्या पढ़ा, स्थिरांक मतलब अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी दो माध्यम के लिए। तो वायु और कांच के लिए अपवर्तनांक जो होगा कांस्टेंट होगा, किसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अगर मैं लिखता हूं साइन आई, सॉरी इधर लिखिए, इधर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं साइन आई बराबर बटा साइन आर, साइन आर वन क्या होगा, ये एक स्थिरांक है, ये किसका है, ये ग्लास का, कांच का मानते हैं, है ना, कांच का क्या है, ये अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, है ना। और ये दोनों तो समान रहेगा, आपको पता चल ही रहा है, R1 बराबर R2 होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स,
अब क्या होगा, अब इस सरफेस के लिए, इस सतह के लिए ये पृथक पृष्ठ है ना, ए बी ये क्या है, पृथक पृष्ठ है। ए बी एक पृथक पृष्ठ है, बी सी एक पृथक पृष्ठ है। पृथक पृष्ठ क्या होता है, जो दो माध्यमों को बांटता है ना, वैसा पृष्ठ जो दो माध्यमों के बीच में अंतर लाता है या बांटता है। तो ये क्या हो गया, अब क्या है, ये साइन आर टू और साइन आर जो होगा वो क्या होगा, एक बटा ही होगा, और एन जी तो किसी माध्यम के लिए समान होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आर टू किसके बराबर है, एन जी के बराबर है ना, दिख रहा है ना आपको, एन जी के बराबर है। और आपको पता है कि एन जी किसके और बराबर था, साइन आर बराबर साइन आर टू, ये किसके बराबर है, साइन आई बराबर साइन आर वन, ठीक है। अब आर टू आर वन बराबर आर टू है तो क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर साइन आर वन बराबर साइन आई बराबर साइन साइन आर वन। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों तो समान है, तो आई अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा, आई बराबर आर हो जाएगा, आई बराबर आर, यहां से बात चल रहा है, ठीक है, समझ में आया क्यों बराबर होगा। तो और ये जो दूरी होती है, एक और चीज, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये तो कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि समांतर है, समांतर किरणें मिलती हैं क्या, नहीं ना। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, इसका भी एक अच्छा सा नाम है, क्यों बताता हूं, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व, पार्श्व पाशर विस्थापन, क्या विस्थापन, पाशर विस्थापन, जिसे हम अंग्रेजी में लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, ये क्या हो गया, पार्श्व पार्श्व विस्थापन, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये लाइट क्या हुआ, इस रास्ते जाना था तो क्या हो गया, नीचे से गया, शिफ्ट हो गया, समांतर ही है, तो ये किसकी वजह से अंतर आया, ये आया हमारे ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से, ठीक है, अपना आयतकार कांच का जो स्लैब था उसकी वजह से आया, समझ में आया। आपको ये भी पता चला, विरल माध्यम सरल सघन माध्यम में कैसे कैसे बिहेव करता है। हाँ, एक और चीज देखिए, अगर लाइट को मैं इस तरह से इस साइड से भेजू इसी रास्ते, तो एकदम इसी रास्ते को फॉलो करेगा, ये इतना एंगल बनाएगा तो वो वापस से इसी रास्ते जाएगा, ठीक है। अगर मैं इससे भेजू, इस दिशा से भेजू, एच जी दिशा में भेजू, ठीक है, तो एकदम इस दिशा से निकलते हुए ऐसे निकलेगा, एफ ई दिशा से ऐसे निकलेगा, समझ में आ रहा है, तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, उल्टा विपरीत। तो काफी कुछ समझ में आ, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कांच का स्लैब यूज करके क्या क्या चेंजेस आता है, क्या परिवर्तन आता है लाइट, है ना, तो वो हमने देखा, और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे।